हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखते हैं गौरी शंख को कैसे बजाना है, उसका साउंड, उसका साइज और तो गौरी शंख जो है वो मैक्सिमम साइज है जो नॉर्मली मिलता है वो अप टू 18 इंच रहता है लेंथ में, बट उसका डायमीटर बड़ा रहता है। जैसे कि ये है, ये 6 इंच लेंथ है, 6 इंच इसका डायमीटर ज़्यादा रहेगा, 12 इंच तक रहेगा इसका, तो ये डायमीटर का लेंथ ज़्यादा रहता है बट ये हाइट में कम रहेगा, ऐसा कुछ दिखता है। तो इसमें बहुत बड़े साइजेस आपको मिलेंगे नहीं, कभी कभी रेयर 8 इंच मिलेगा, 9 इंच रेयर मिलेगा, 8 इंच मैक्स रहता है। वो भी एक लॉट में डिपेंड रहेगा कितना मिलता है। सो बड़े साइजेस बहुत रेयर रहते हैं। सो मीडियम आपको ये साइज मिलेगा, 6 इंच का मिलेगा, 7 इंच का मिलेगा, 7.5 भी मिलेगा, 8, 9, 10 ये जो साइजेस है 8 के ऊपर के, 9, 10 वो बहुत ही रेयर रहता है और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा रहता है। ओके, तो इसका जो साउंड है, इसके साउंड में थोड़ा स्मूथनेस है, मतलब बास बोलते, बास वो टाइप का है, जैसे कि मैं आपको ब्लो करके दिखाता हूँ, ऐसे इजीली ब्लो कर सकते हैं। और इसका एक गुड क्वालिटी के अंदर का जो सरफेस रहेगा बहुत ही स्मूथ रहेगा, ये नेचुरली रहता है, तो इसकी वजह से साउंड इजीली पास होता है रिफ्लेक्ट होके। अभी हम इसका साउंड सुना है, मतलब हम सुन चुके हैं। अभी अपना नॉर्मल जो शंख है पद्म शंख, ये दोनों भी पद्म शंख है बट ये स्पीसीज अलग है, ये अलग है। तो इसमें जो है साइज मैंने बोल दिया आपको कि 6 इंच तक इजीली मिलेगा आपको, 6, 7, 8 ये तीन साइजेस। सो 8 भी थोड़ा रेयर रहता है, 8 और फिर इसके ऊपर का 9, 10 वो रेयर रहता है, कभी कभार मिलते हैं। तो ये हो गया, ब्लोइंग मेथड सेम ही रहेगा। और इसमें कैसा है साउंड, अभी ये लाउड साउंड भी आएगा इसमें, वो आपका टेक्निक है, आपको टेक्निक सीखना है। जैसे कि पिच वेरिएशन जब करते हैं तो साउंड ऊपर जाएगा, फिर लो किया, तो आपके टेक्निक के ऊपर है, वो टेक्निक ही रिवील करेगा कि साउंड ये शंख का ये। तो ये हो गया गौरी शंख का। अभी इसका सपोज आप लाउड साउंड देखेंगे तो लाउड भी आएगा, अभी मैं आपको ब्लो करके दिखाता हूँ। ये थ्रो हो गया, एंड थ्रो। तो वो हमारे बजाने के टेक्निक के ऊपर है, हम कैसे बजाते हैं। तो उसमें साइज अगर बहुत भी बड़ा रहेगा तो टेक्निक तो हमको सीखना है, ऐसे किधर हाई लो करना है, और वो जो थ्रो है एंड का थ्रो उसके ऊपर डिपेंड है। ओके फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई कमेंट्स है तो आप बोल दीजिए। ये थोड़ा बास टाइप शंख में था, मतलब बास इसमें इजीली ऐसा थोड़ा स्मूथनिंग इफेक्ट रहता है ऐसे। ओके, आपको कोई कमेंट्स है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाय बाय।